तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो कितना कंसाइज है और कितना इंपॉर्टेंट है। NH4NO3 देखो बेटा, इस वाली केस में जो पहला पार्ट है वो एडिशन का पार्ट है। यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गए, एक डबल बॉन्ड आ गया। ऐसा क्यों करो? क्योंकि जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें मालूम होगा कि SN करके कोई रिएक्शन होती नहीं और द टर्म हैज नॉट बीन एप्लीकेबल हियर। ये सवाल सब देख रहे हैं ना, ABCD इस तरीके के सवाल, ये सारे सवाल मेडिकल के अंदर और एंट्रेंस के अंदर, किसी भी एंट्रेंस के अंदर ये सवाल आते हैं। ABCD फाइंड आउट करना हो, ABC फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो इस वाली पार्ट में ये समझ लो कि जो कन्वर्जन है, ये दो तरीके के कन्वर्जन है, एक तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। इसके साथ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना या नंबर ऑफ कार्बन घटाना। नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन। जैसे डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के साथ, या टाइप ऑफ एल्कोहल, या एल्डिहाइड को कीटोन के साथ। प्रॉब्लम है कि ये सारे सवाल रेगुलरली आते हैं। तुम में से ज्यादातर लोगों ने ये सवाल मेडिकल के टेस्ट पेपर में देखे होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, NCERT ने उसके पार्ट पार्ट में डील करा है। चार ड्रॉप यहाँ पे, चार ड्रॉप यहाँ पे, दो ड्रॉप यहाँ पे, एक ड्रॉप यहाँ पे, इस तरीके से डील करा है। बेहतर है उसे एक साथ पढ़े, एक साथ पढ़े, ताकि तुम्हारी क्लैरिटी ज़्यादा हो। और अगर तुमने स्टार्ट में पढ़ लिया तो बाकी सारे चैप्टर्स में तुम्हारे पास उसे रिवाइज करने का बाय डिफॉल्ट स्पेस होते। बातें क्लियर है बेटा? अगर तुमने इसे आज समझ लिया तो आगे से जितने चैप्टर तुम पढ़ोगे ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम्हें अलग से रिविजन शेड्यूल की जरूरत नहीं। तो स्टार्ट करते, एक बार तुम्हें समझाते हैं कि उस कन्वर्जन की जरूरत क्यों है। इस वाली सवाल से शुरू करते, एक दो सवाल के बाद उस वाली जगह पे आते तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो कितना कंसाइज है और कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना तुम्हें इस वाली पार्ट को डिस्कस करके दिखा रहे, फिर तुम्हें आइडिया लगेगा कि इन्हें पार्ट पार्ट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इन्हें इकट्ठे पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट में इन्होंने ये बात करी कि अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड OOH ग्रुप हो, ठीक है ना, और अगर आपने SOCl2 के साथ रिएक्ट कराई तो होगा क्या। तो होना क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही अपोजिट सी बात होती है। Cl बिंग ए बेटर लिविंग ग्रुप, Cl एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये अंदर आ जाता, ये Cl अंदर आ जाता और OH जो एक बेकार लिविंग ग्रुप है वो बाहर आ जाता। Cl जो एक बेटर लिविंग ग्रुप है वो अंदर की साइड पे आता और जो बेकार लिविंग ग्रुप है वो बाहर की साइड पे चला जाता, वो बाहर की साइड पे चला जाता। कोई बता सकता है ऐसे क्यों होता, ये अगेंस्ट द नेचर काम क्यों करते? ये तो अभी पहली बात है। तो तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे ये बातें उल्टी क्यों होती है। OH अंदर आता है ये बढ़िया सी बात है, मगर यहाँ पे OH बाहर की साइड पे जा रहा, ऐसे कैसे हो सकता। दूसरी बात, हमने जब इसे HNS2 के साथ रिएक्ट कराई तो देखकर मालूम होता है होना क्या है, ये Cl और ये हाइड्रोजन बाहर आ गए, बचा क्या अपने पास, सी डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या है, अमाइड। और लास्ट स्टेज के अंदर हमने हॉपमैन ब्रोमाइड, हॉपमैन डिग्रेडेशन कर रखा है, ये N2N-1 में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें एक कार्बन कम करना हो उस वाली जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट के अंदर 2 कार्बन होनी चाहिए, ये पार्ट गायब हो जाती और क्या बन जाता है, CCNH2, और ये जो गायब होता है ये बन जाता है Na2CO3, इस वाली केस में K2CO3, इस वाली केस में बन जाना है K2CO3। तो ये हॉपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हमने N2N-1 करने का एक तरीका देखा, एक और भी तरीका है, डीकार्बोक्सिलेशन। एक और भी तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि हमने क्या करा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड पकड़ ली, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड पकड़ ली और इसे किसके साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराई NaOH के प्रेजेंस में। और इसने क्या करा, इसने क्या करा भाई, इसने करा RH बना दी और Na2CO3 बाहर आ जाती है। तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है या फिर हॉपमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये N2N-1 के लिए है। वैसे ही रिएक्शन अपने पास N2N+1 के लिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ही सीरीज के लिए। Cl स्टेबल नहीं है, Cl इज नॉट द स्टेबल मॉलिक्यूल।
देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हम इस वाली केस में हम लोग क्या करने वाले हैं वो समझ लो। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहली बार एलिमिनेशन प्लस एडिशन और दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। ये वन क्लास में कवर होनी है, ये सेकेंड क्लास में कवर होनी है। तुम्हें कोई आइडिया है कि पहले एडिशन सब्स्टिट्यूशन क्यों करा और बाद में एडिशन और एलिमिनेशन क्यों करा और बाद में सब्स्टिट्यूशन क्यों करने वाले हैं? ऐसा क्यों करो? क्योंकि जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें मालूम होगा कि एसएन करके कोई रिएक्शन होती नहीं। आश्चर्य लगा सुन के, एसएन करके कोई रिएक्शन होती नहीं। पता क्या होता, एक बार ही ऐड होता, अगली बार एलिमिनेट होता, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एसएन रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन होती नहीं। तुम ऐसे समझ लो कि जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ दो चीज़ें कर सकता है, प्लस और माइनस। तो फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करते? वो उतनी बार प्लस कर देता, और हम डिवाइड कैसे करते? वो उतनी बार सब्सट्रैक्ट कर देता। ठीक है, तो एडिशन और एलिमिनेशन तो देखा है। ये जो पार्ट है ना, बेसिकली एसएन कोई पार्ट नहीं है। एसएन के अंदर हर बार पहली बार ऐड होती है, दूसरी बार सब्स्टिट्यूट हो जाती है, दूसरी बार एलिमिनेट हो जाती है। अब ये जो कहीं पे भी देखो, अगर मान लो हमने आर ओ एच ले रखी है, एक लॉजिक समझ लो, और यहाँ पे हमने कुछ भी ए बी सी लगा रखा है, अपना पर्पज है आर को, अपना पर्पज है ओ एच को वहाँ से बाहर निकालना। ओ एच की नेचर क्या है? वो ओ एच काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो हम ओ एच को ऐसे बाहर तो निकाल नहीं सकते। तो हमने क्या करा कि ओ एच इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, ओ एच इज ए बेटर और कह सकते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। ये सारी बात ओ एच के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अगर ओ ने इस तरीके से ए ऐसे कंपाउंड बना लिए तो, अगर ओ ने ऐसे कंपाउंड बना लिए तो, अगर ओ के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वह एक बेटर लिविंग ग्रुप हो जाते हैं। वो एक बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता। इसलिए तुमने नोटिस करा है तो ठीक है, नहीं करा है तो एक बात समझ लो कि हम जब कभी भी OH को बाहर निकालते हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नोटिस करा कभी? अगर हम कभी भी OH को बाहर निकाल रहे हो तो हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। लॉजिक समझ लो, आर OH को हम क्या करते हैं, पी सी एल थ्री, पी सी एल फाइव, एस ओ सी एल टू। यहाँ पे अगर हमने P को भी कंसीडर करा, P इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड 3 क्लोरीन इन द फर्स्ट केस, 5 क्लोरीन इन द सेकंड केस, 2 क्लोरीन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 सल्फर, ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये करते क्या है, ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके उसको एक कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। इसलिए हमें मैकेनिज्म को समझना होगा। तुम क्या करते, तुम्हारे स्टेज पर क्या प्रॉब्लम होती है? तुम्हारे स्टेज पर प्रॉब्लम होती है रट्टा मार जाओ, ऐसे ही करते ना। कभी तुमने बैठ के रिएक्शन समझने की कोशिश करी? तुम्हें से कितने लोग हो जो रिएक्शन की, रिएक्शन जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आता सबसे पहला सवाल ये आता है इसकी मैकेनिज्म क्या है? कितने लोग हो जिनके दिमाग में रिएक्शन देखते ही सबसे पहला सवाल यही आता है, व्हाट्स द मैकेनिज्म? कितने लोग हो जो मैकेनिज्म ओरिएंटेड हो? और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसे 5 बार ही लिख लो, अपने आप याद हो जाना है। और ज़्यादातर जगहों पर क्या करते हैं, कहते 5 बार लिख लो, 5 टाइम्स इसे रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाने। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है, ऑर्गेनिक सबसे आसान है, ये ईजीएस्ट पार्ट है एक तरीके से। क्यों? इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक है बहुत कम है, लिटिल लॉजिक, बेसिकली इट्स ए एप्लीकेशन। भाई मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तुम्हें विश्वास हो तो ठीक है, ना हो तो ये समझ लो कि एक बुक आती है करीब 1400 पेजेस की, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। और नाम है जेरी मार्च, नेट पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं ये समझ लो कि थोड़ी सी हायर क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म ही पढ़ाते, बाकी कुछ नहीं पढ़ाते। और एक बार तुम्हारी समझ आ गई मैकेनिज्म तो तुम्हें लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइम पास है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलो अब एक बार ही एक और प्रॉब्लम और फिर वापस आते हैं उस स्टेशन फॉर्मेट के ऊपर में। देखो बेटा, इस वाली केस में जो पहला पार्ट है वो एडिशन का पार्ट है,
जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम उसने खुद ही लिख रखा है हाइड्रोलिसिस, और जो थर्ड पार्ट है ये आयोडोफॉर्म है। मेरा इरादा आज आयोडोफॉर्म की तरफ जाने का नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश रिएक्शन है, मगर फिर भी अगर सवाल आ गए तो डिस्कस करते हैं। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है, यहाँ पे क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है कि ये परोक्साइड, मतलब परोक्साइड के प्रेजेंस में है या एब्सेंस में है? देखो बेटा, यहाँ पे परोक्साइड लिखा हो या परोक्साइड नहीं लिखा हो डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। परोक्साइड लिखा हो या नहीं लिखा हो कोई सेंस ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो परोक्साइड एब्सेंस और प्रेजेंस का खेल है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, दिस इज वैलिड फॉर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट। यहां पे क्या बेटा, यहां पे ये सिमेट्रिकल है, कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई स्पेस ही नहीं बनता कि वो परोक्साइड के प्रेजेंस में है या एब्सेंस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या लिखा, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक साइड बी आर लिख दी, जिस साइड तुम्हारा दिल करा बी आर लिख दी। अब अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा, तो इसने क्या जनरेट करना है, इसने ये जनरेट करना है। तुम ये सवाल पूछ सकते कि सर यहाँ पे इसने एल्कोहलिक KOH लिखा होता तो वो उसे हाइड्रोलिसिस नहीं लिखता। इसका नाम है बेसिक हाइड्रोलिसिस। क्या नाम है बेटा? बेसिक हाइड्रोलिसिस। तुम अभी से आगे एक चीज हमेशा नोटिस करना, यहां से आगे जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, तुम एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें कमाल ये होती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मान लो ऐसे है तो एक पार्ट यहां पे भी इनऑर्गेनिक होता और एक पार्ट इस वाली साइड पे भी कोई इनऑर्गेनिक होनी है। ये नोटिस करा कभी? अगर नोटिस नहीं करा तो आज एनसीईआरटी की जितनी भी इक्वेशंस दे रखी है पूरी इक्वेशन एक बार ठंडे दिमाग से बैठना, देखना और रात को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में बताना। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी ऐसे रिएक्शंस दे रखे होंगे उनमें बिना इनऑर्गेनिक के रिएक्शन हो ही नहीं सकती। कभी किसी ने नोटिस करा कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एसेंशियली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते और दोनों साइड पे होते? तो उसका रीजन क्या है? इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं, वो स्टेबल है, तो कह सकते हैं कि डेल्टा जी उनकी नेगेटिव होती है। अब तुम ये देखो कि तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स सोचा था कभी? यहाँ पे ये होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, और डेल्टा जी जब नेगेटिव होती है तो उसने पूरे रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बढ़ा दिया। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस ने दो चीज़ें करी, एक तो डेल्टा जी को नेगेटिव करा, दूसरी पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर दी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए एसेंशियली हर एक साइड पे, रिएक्टेंट की साइड पे भी और प्रोडक्ट की साइड पे भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही होता है। लेकिन तुम्हें उसका फॉर्मूला लिखना आता, जिस कंपाउंड से ये बने थे उसका फॉर्मूला लिखना आता तुम्हें? कई बार वो फॉर्मूले भी आते, चलो वापस अब ना उस वाली बात पर चलते हैं जहाँ पर कन्वर्जन की ट्रैक है। तुम चाहो तो इसकी फोटो ले लो, NH4NO3 जो है ना, इसकी IUPAC नेम क्या है? और ये तो है ही नहीं, NO3 है। अगर मान लो NO3 है तो यूरिया कैसे बनाई इसने? मानवेंद्र सिंह, अगर इसने NaNO3 है तो इसने यूरिया कैसे बनाई? यूरिया के अंदर तो C है ना, और इतने ऑक्सीजन भी नहीं है यूरिया के अंदर। तो तुम्हारी बात सही है, फॉर्मूले गलत है, और उसका नाम साइनेट होता है, अमोनियम साइनेट। एक बार तुम इसकी इमेज ले सकते और इससे तुम्हें आइडिया मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखते। एक शॉर्टकट में एक बात समझ लो, अगर तुम्हें किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करना है, अगर मान लो हमने लिखा कि एल्कीन को अमाइड में कन्वर्ट करो, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम अंधेरे में पत्थर फेंक रहे, जो निशाने पर लग गया वही सही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक सेट पैटर्न है, एक बिल्कुल सेट पैटर्न है, और इस पैटर्न से अगर तुम्हें अलग जाना है तो उसके लिए लिखा है नेम रिएक्शन। एक सेट पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, और XYZ या ABC के जो पार्ट आते हैं ना वो इधर से ही आते हैं। ABC के मेजॉरिटी पार्ट, मेजॉरिटी बोले तो 90% पार्ट इधर से ही आते, 10% पार्ट यहां से आते। तो एल्कीन से अमाइड बनाने के सेट पैटर्न है, तुम्हें इसका पहले अंदाजा था कि इसका एक सेट पैटर्न है, और इसके बाद जो पैटर्न तुम्हें नए से दिखते हैं वो नेम रिएक्शन है।
अगर हम नेम रिएक्शन को हटा दें तो एक सेट पैटर्न है चार या पांच या छह स्टेप के और हमें उसे फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ देखो बच्चों, तो ये जो स्टेशंस है ना, हम लोगों ने स्टेशंस बना रखे हैं, टोटल 8 स्टेशंस हैं। शॉर्टकट में लिखते हैं कुछ चीज़ों को क्लैरिटी के साथ। इसमें टोटल 8 स्टेशंस हैं और इस 8 स्टेशन में दो ऑप्शनल हैं, यानी कि तुम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली 6 स्टेशन ही है। तो अगर एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तो उसके बाद सिर्फ 4 स्टेप हो सकते हैं, ए बी सी और डी। आई रिपीट, इसमें इफेक्टिवली 6 स्टेशन है। अगर ए और बी दे रखी है तो मैक्सिमम केस में, वर्स केस में ए बी सी और डी तुम्हें फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ 4 मिसिंग पैरामीटर तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। और ये जो दे रखा है ना, ये एनसीईआरटी के चैप्टर का फ्लो है। आश्चर्य लगेगा जान के, एनसीईआरटी के जो चैप्टर का फ्लो है एक्चुअली वो कन्वर्जन ट्रैक है। अब ये एनसीईआरटी को पता है नहीं पता है, ये हमें नहीं मालूम कि एनसीईआरटी को भी ये पता है या नहीं पता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि रैंडमली उन्होंने इसको इस तरीके से अरेंज कर रखा है, ये रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ तो मैं एक बारी फिर से फ्रेश में लिख देते हैं कि अपने पास 6 इफेक्टिव स्टेशन है और ये एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर हमने ए और बी लिखी तो अपने पास मैक्सिमम जो मिसिंग पैरामीटर है वो एक्स वाई जेड, वर्स केस के अंदर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ऐसे लगा लो, इतने ही हो सकते हैं। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 ब्रांचेज की, मतलब 6 स्टेशंस के अंदर फिक्स हो जाती है और हमें लगता पता नहीं कितने सारे मेथड हो सकते हैं, ऐसे नहीं है। हम उसे अंधेरे में सोचते हैं इसलिए हमें मालूम होता है, लेकिन एक्चुअली उसके 6 स्टेप में वो एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाती है मैक्सिमम, यानी मिनिमम में 1 या 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कौन सा है? एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, तो अल्काइन, अल्कीन और अल्केन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अल्काइल हैलाइड, 12th क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अल्कोहल, फिनॉल, इथर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन। और उसके ही एक पार्ट को, एसिड वाली पार्ट को और एसिड डेरिवेटिव पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इस वाली केस के अंदर में सबसे पहले हमने अल्काइन को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करा। तुमसे बात करी थी कि दो स्टेशन ऑप्शनल है, एक स्टेशन ये है और दूसरा स्टेशन एल्डिहाइड कीटोन है, ये दो ऑप्शनल स्टेशन है। तुम्हारी मर्जी ना हो तो कोई बात नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं। अगर हमें अल्काइन से अल्केन करना है तो ये अगर हम अल्काइन से सी ट्रिपल बॉन्ड, सी से सी सिंगल बॉन्ड सी जाना चाहते तो ये रिडक्शन है, इसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते। और यहां पे रिएजेंट ले सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ पीटी, निकल, जो भी चाहो। और ये रिडक्शन क्यों है? क्योंकि हम यहां पे एडिशन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। इस वाली केस में रिडक्शन है क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सिंगल बॉन्ड, इसे डबल बॉन्ड पे रोकना हो तो अपने पास कंट्रोल्ड रिडक्शन का एक रास्ता बचता है, कंट्रोल्ड रिडक्शन। और कंट्रोल्ड रिडक्शन के लिए कैटालिटिक पॉइजन एक वर्ड यूज करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। तुम ऐसे समझ लो कि ये अपना कैटलिस्ट है, ठीक है ना, जैसे निकल है, प्लेटिनम है, तो निकल यहाँ पे अपना अल्कीन है और हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाते हैं, ये इसे कन्वर्ट कर देते हैं अल्कीन के अंदर, क्योंकि ये कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ द पोरस सरफेस दे आर एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम इसके पोरस सरफेस को किसी तरीके से नष्ट कर दें तो ये कैटलिस्ट होते हुए कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, पीडी के साथ BSO4 लेते हैं, BSO4 इनके पोर्स के अंदर जाके बैठ जाती है। अब इनके सरफेस स्मूथ हो गए, अगर सरफेस स्मूथ हो गई तो अब ये रिएक्टेड, अब ये कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकती, यानी जितनी देर में अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट हुआ उतनी देर में कैटलिस्ट हैज लॉस्ट इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नाउ बिकॉज ऑफ द कैटालिटिक पॉइजन द एक्टिविटी हैज बीन स्टॉप, सो अल्कीन विल बी देयर, इट इज नॉट गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। समझ आ रही बात? कोलाइडल सल्फर भी ले सकते हैं, क्विनोलिन भी ले सकते हैं, कोलाइडल सल्फर भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हमें अल्केन से अल्काइल हैलाइड जाना हो, अल्केन से अल्काइल हैलाइड जाना हो, अगर हमें अल्केन से अल्काइल हैलाइड जाना हो, लेट इट बी CCl, तो ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या कुछ भी नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है। अगर हमें अल्केन से अल्काइल हैलाइड जाना हो तो ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या ऐसे टर्म यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं।
देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, तुमने बायो मॉलिक्यूल के अंदर मैकेनिज्म पढ़ी होगी, पॉलीमर वगैरह तो अब तो चलो खत्म हो गई, पॉलीमर एक जमाने में पॉलीमर भी हुआ करती थी, तो वहाँ पे ये पूरे डिटेल्स में पढ़ना था। इसे अभी समझ लो, होता क्या है, ये जो क्लोरीन है ये ऐसे होमोलिसिस हो जाती है इसकी, इस क्लोरीन की होमोलिसिस हो जाती है। अब अगर क्लोरीन ने फ्री रेडिकल जनरेट करा तो उसने इस वाली बॉन्ड को ब्रेक करा। तो मैं अभी बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इस वाली केस में कौन सा कंपोनेंट है, सीएल है, और सीएल ने क्या करा, यहाँ से एचसीएल को गायब कर दी, अब एचसीएल बाहर हो गई। तो यहाँ पे भी ये इनऑर्गेनिक है और ये पार्ट भी इनऑर्गेनिक है, पहले ये बाहर आ जाते हैं और बचा हुआ हिस्सा क्या है, बचा हुआ हिस्सा क्या है, क्लोरिक कार्बन कार्बन और इसके साथ एक क्लोरीन। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, क्या देखी भाई, हमने यहाँ पे देखी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा, फिर हमने देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो क्लोरीन इस वाली केस में। तो इन दोनों को इकट्ठा करा तो किसकी डेफिनेशन है, अगर हमने इन दोनों को इकट्ठा करा तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो मैं ऐसे ही मालूम हो जाएगा कि कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर क्या है और कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर क्या है, चेक कर लो, मालूम हो जाना है, कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट मालूम कर लो दोनों साइड पे, तो हमें मालूम हो जाना है कि इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और द टर्म हैज नॉट बीन एप्लीकेबल हियर, ऑक्सीडेशन, इट्स ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन है, ये दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन है, और हैलोजन इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजन इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खेल यहाँ पे है। अब ये अल्काइल हैलाइड को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करा, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड पकड़ लिए तुमने सी 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 एल, इसके दो रास्ते बन सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी ओ एच, और एक जैसे रिएजेंट है, एक जैसे रिएजेंट है, मान लो ऐसा लिखा के ओ एच तो दोनों के अंदर कॉमन है, के ओ एच दोनों के अंदर कॉमन है, पहला वर्ड भी कॉमन है ए ए, लेकिन दूसरे वर्ड में प्रॉब्लम है, यह है एल्कोहलिक और यह है एक्वस, तो इतना क्या फर्क आ गया, इतना फर्क कैसे आ गया, यहाँ पे तो इतनी सिमिलैरिटी है, रिएजेंट भी एक जैसा, पहला वर्ड भी एक जैसा, फिर प्रोडक्ट में इतनी वेरिएशन कैसे, जो प्रोडक्ट है वो इतना वेरी कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री की, और इस बार क्या ऑक्सीडेशन है, अगर हमने यहाँ से यहाँ पे करा तो इज इट ए ऑक्सीडेशन, और इफ नॉट ऑक्सीडेशन इज इट ए रिडक्शन, सो व्हाट द टेक्निकल वर्ड शुड बी एप्लीकेबल वेदर इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस वाली केस में तुमने नोटिस करा कि देर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, कब, जब हमने एक्वस केओएच यूज करा, जब हमने एक्वस केओएच यूज करा, देर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो इट्स ए सिंपली डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स ए सिंपली डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इस वाली केस में यहाँ पे इसका एक नाम है बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्या नाम है बच्चों, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार KOH ही यूज कर सकते हैं, यहाँ पे NaOH भी यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस वाली केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जहां पे भी मीडियम स्ट्रॉन्ग बेसिक है वहां पे अगर अपने पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से, उसे सब्स्टिट्यूट होने के और एलिमिनेट होने के, तो उसने एलिमिनेशन वाला रास्ता पकड़ना है। सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब रिलेटिवली वीकर बेस हो, स्ट्रॉन्गर बेस में एलिमिनेशन होनी है, जो रिलेटिवली वीकर बेस है दैट इज गोइंग टू प्रमोट द, दैट इज गोइंग टू प्रमोट द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इस वाली केस में यहां देखते हैं, अगर हमने RCH2OH को RCHO या RCOOH में कन्वर्ट करना है, तो यहां देखो बच्चों, अगर हमने एल्कोहल ली, उसे एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करना है, तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम कह सकते हो कुछ इसके जैसा, जब हमने यहाँ पे एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ी थी वैसा ही हमें एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। लेकिन अगर हमें इसे सीधा ही कन्वर्ट करना है तो KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर ले सकते हैं। अब अगर मान लो अपने पास एसिड है, मान लो अपने पास एसिड जनरेट हो गई,
तो हम क्या करते हैं, एसिड से पानी बाहर निकाल के, एसिड से पानी बाहर निकाल के एसिड डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या हर बार पानी बाहर निकालते? तो आंसर है कभी कभी एच एक्स भी बाहर निकाल देते, कभी कभी एन एच थ्री भी बाहर निकाल देते, लेकिन लेकिन मोस्टली पानी ही बाहर निकालते। कैसे भाई? अगर मान लो अपने पास ये कंपाउंड है ओ एच और एक दूसरी कंपाउंड हमने पकड़ ली इसका भाई, तो क्या करा, यहाँ से पानी बाहर निकाल दिए। ऑर्गेनिक में जो वाटर है ना, इसका बड़ा रोल है। उसमें ऐसा करते हैं, पानी पिला दो या पानी बाहर निकाल दो। पानी पिला दो या फिर पानी बाहर निकाल दो, मतलब कुछ समझ नहीं आता। जब वो कह रहा है कि मेरे पास पानी है तो कहते चलो इसकी पानी बाहर निकालो, जब वो कह रहा कि पानी नहीं है तो कहता पानी पिला दो। तो मतलब पहली बार दुश्मनी दिखा रहे हैं कि पानी है बाहर निकालो, दूसरी बार कह रहा पानी तो है ही नहीं, कहा पानी डाल दो। तो इधर में सारा खेल पानी निकालने और पानी डालने का है। अब ये क्या बना भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन। तो इस वाले केस में अब इस वाले ग्रुप का नाम क्या बेटा, इस वाले ग्रुप का नाम कीटोन बोलेंगे क्या, डाइकीटोन बोल सकते क्या इसको? मान लो मेरा दिल करा इसे डाइकीटोन बोलने का, बोल सकते क्या? डाइकीटोन बोल सकते क्या? मतलब बोल भी सकते शायद, ना भी बोल पाए, है ना? क्या इसे डाइकीटोन बोल सकते? डाइकीटोन तो नहीं बोल सकते, सही बात है, क्योंकि डाइकीटोन अगर है तो यहाँ पे कार्बन होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। अगर ऑक्सीजन है, थ्री ऑक्सीजन बस दो जगह पे हो सकते, या तो एनहाइड्राइड के अंदर या फिर परऑक्साइड के अंदर, उसके बाद कहीं भी नहीं। और ये जो पार्ट है ना, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक ऑल्सो। कैसे होता है वो समझ लो, जैसे तुमने HNO2 का नाम सुना होगा, है ना, HNO2 का नाम सुना होगा, और तुमने साथ में N2O3 भी सुना होगा। ये दोनों नाम तुमने सुने होंगे ना, इंडिविजुअली तो सुने ही होंगे। दे आर एनहाइड्राइड ऑफ ईच, मतलब ये इसका एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड पार्ट है। मान लो तुमने क्या करा, HNO2 पकड़ी और एक और HNO2 पकड़ी और पानी बाहर निकाल दिया, तुमने यहाँ से पानी बाहर निकाल दी, तो क्या हुआ भाई, ये H2 और एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो बचा क्या अपने पास, N2O3 प्लस H2O। तो एसिड माइनस वाटर इज ऑलवेज एनहाइड्राइड। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एनहाइड्राइड गैस हो और तुम्हें इसका भरोसा ना हो, जैसे H2SO4 है, इससे अगर हमने पानी बाहर निकाली क्या बनेगा। ये ऑर्गेनिक पे भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना इनऑर्गेनिक पे। अगर हमने इससे पानी बाहर निकाल दिया बनेगा क्या, तो यहाँ पे SO3 बनेगा। होता क्या है कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि SO3 है, गैस है, तो ये एनहाइड्राइड नहीं हो सकता। जमाने भर में कहीं भी अगर हम किसी चीज़ से पानी बाहर निकाल दें तो वो एनहाइड्राइड ही बनेगा। एक बार एक्सेप्शन है, एक ऐसा केस है जहाँ पे एक्सेप्शन है, बता सकते हो कौन सा केस है? एक केस है जहाँ पे तुमने पानी बाहर निकाली, एनहाइड्राइड तो नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा मगर एनहाइड्राइड नहीं बन रहा। एक केस है जो तुमने कई बार पढ़ा है, अंदाजा लगा लो कौन सा केस हो सकता है, जहाँ पे तुमने गर्म करा तो एनहाइड्राइड नहीं बन रहा, और वो एसिड भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो एसिड भी नहीं है। हर बार एनहाइड्राइड बने ऐसा जरूरी नहीं है। एक केस है अगर मान लो हमने लिखा CCOH और हमने लो टेम्परेचर रखी, तो क्या होना है कि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होना है। उसका रीजन क्या है कि लो टेम्परेचर पे जो नेबरिंग एलिमेंट्स है, नेबरिंग ग्रुप है, वो पास होते, हमने टेम्परेचर बढ़ा दी तो ये दूर चले गए, कम करी ये पास आ गए, दूर टेम्परेचर बढ़ा दी, दूर चले गए। अब क्या हुआ कि हमने क्या करा, रिलेटिवली थोड़ा लो टेम्परेचर रखा तो इसके दो मॉलिक्यूल पकड़ लिए और क्या करा, फिर यहाँ से इसके पानी बाहर निकाल दी। अब अगर तुम इसके पानी बाहर निकालोगे तो अभी एनहाइड्राइड नहीं बन रहा, अभी क्या बन रहा बेटा, अभी ये एनहाइड्राइड तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या बनेगा फिर इस टाइम पे, ये एनहाइड्राइड नहीं है, कुछ तो है। और ये तुमने कई बार पढ़ा है, हाँ तुमने रट्टा मारा है, हाँ बिल्कुल। तो तुमने क्या पढ़ा है भाई, CCOCC, है ना,
तुमने खुद से कभी नहीं पूछा कि जब हमने दो कार्बन के अल्कोहल ले रखे थे तो चार कार्बन की इथर कैसे बन गई, दो बोनस में आ गए क्या, ये सोचा था तुमने? ये तुम में से कितने लोगों ने सोचा कि जब हमने स्टार्ट में दो कार्बन ले रखी थी तो चार कार्बन के इथर कैसे बने भाई? और ये इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो क्यूरियोसिटी है, नेचुरल क्यूरियोसिटी है। मतलब शक होता है ना मैं दूसरे लोगों के ऊपर, तो अपनी तो आदत है अपने ऊपर छोड़कर पूरी दुनिया पर शक करना, मतलब बड़ी गंदी आदत है, लेकिन है। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, है ना। तो ये चीज़ें मेरी तब भी होती है जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं। अब यहाँ देखो, तुमने ये रिएक्शन भी देखा होगा बच्चों कि इसे गर्म करा, सी डबल बॉन्ड सी बन गई। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करा था ना, जो बातें डिस्कस करी थी उसके अंदर ये चीज़ें भी डिस्कस कर ली थी। अभी जो डिस्कस कर रहा था उसके नीचे ये चीज़ें भी पढ़ी तुमने, अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है। वहाँ पे क्या पढ़ा, 170 डिग्री के अंदर ये चीज़ें बन गई। इस बार क्या हुआ, इस बार टेम्परेचर बढ़ाने से नेबर्स एक दूसरे से दूर चले गए। अब ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पकड़ा गया और इसके साथ क्या हो गई वो समझ लो, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गए, एक डबल बॉन्ड आ गई। बस 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दी, 30 डिग्री एक्स्ट्रा कर दी, अब ये है 170 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इतना ही करो तो तुम्हें कॉन्टिन्यूस, जो चीज़ तुम पढ़ रहे हैं ना कॉन्टिन्यूस, तुम्हें उसके साथ इंटरेक्ट करना होगा। एक बड़ी अजीब सी चीज़ें दुनिया में फैला रखी है कि आप आँख बंद करके रट्टा मार लो सब कुछ हो जाएगा। तुम समझ लो कि रट्टा मार के तुम अगले जन्म में भी कोई एंट्रेंस पास नहीं कर सकते, डॉक्टर छोड़ो कलेक्ट नहीं बन सकते, तुम्हें वहाँ पे भी कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई। अगर इंसान की मेमोरी इतनी ही होती है तो 12th क्लास के मतलब वो मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम क्यों देगा, फिर वो तो कंप्यूटर बन जाएगा फिर। अब जो हम लोगों ने डिस्कस करी तो तुम्हें बुकिस फॉर्मेट में नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ हमें ये बताना है कि सी डबल बॉन्ड सी है, क्या हम इसे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितने स्टेप हो सकते हैं और उन स्टेप्स के रिएजेंट क्या होंगे। एक आदि में हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, बाकी तुम्हें खुद करके देखना है। अपने पास सी डबल बॉन्ड सी है और ये अपना टारगेट स्टेशन है, क्या करेंगे एक बार इस वाली जगह को देखेंगे, ये है कहाँ पे, ये नंबर 2 पे है, पहुँचना कहाँ पे है, नंबर 8 पे। ऑप्शनल कौन से हैं, PCC, यानी कि अपने पास ये रास्ते बन सकते हैं क्या बेटा कि हमने इसको सी सिंगल बॉन्ड सी में कन्वर्ट करा, फिर हमने इसको सी सिंगल बॉन्ड सीएल में कन्वर्ट करा, नेक्स्ट क्या लिखे सी सिंगल बॉन्ड सी ओ एच, नेक्स्ट क्या लिखे सी सिंगल बॉन्ड सी ओ एच और नेक्स्ट क्या ये। अभी हमें पूरा सोचना है, ध्यान रखना अभी हमें किसी नेम रिएक्शन शॉर्टकट पे नहीं जाना, नहीं तो शॉर्टकट तो तुम्हें बताई जा सकती है। अभी तुम्हें शॉर्टकट आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में जब नेम रिएक्शन पढ़े जब तुम्हें बता सकते हैं। अभी तो तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। यहाँ से यहाँ तक आने में कोई तकलीफ है क्या किसी को? अब क्या तुम यहाँ पे रेजेंट फिल कर सकते, कौन से रेजेंट होगी बेटा, यहाँ पे कौन से रेजेंट है, यहाँ पे कौन से रेजेंट है, बोलते जाओ फटाफट, फास्ट। पहले रेजेंट, दूसरे रेजेंट, तीसरे रेजेंट, 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन से रेजेंट से? तो पहले एजेंट पहले रिएक्शन के अंदर डाल सकते H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, दूसरे स्टेज में डाल सकते Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तीसरे स्टेज पे डाल सकते K2OH, चौथे स्टेज पे डाल सकते KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और इस स्टेज पे अमोनिया के साथ रिएक्शन करा सकते RnS2 के साथ रिएक्शन करा सकते, ठीक है, या यहाँ पे अमोनियम के किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा सकते हैं।